दोस्तों, इंसान अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट कह ले, लेकिन प्रकृति हर बार हमारे साथ कुछ ऐसा खेल खेलती है कि हम फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही घटनाओं को हमने पार्ट वन में आपके सामने रखा, जिसको आपने भरपूर प्यार दिया। तो ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग घटनाओं को लेकर हम हाजिर है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का रहस्यमय सफर शुरू करते हैं। नंबर एक, करोड़ों साल पुराना धातु का हथौड़ा। हमने अपनी इतिहास की किताबों से यही सीखा है कि इंसान ने धातु का इस्तेमाल कुछ 10,000 सालों पहले शुरू किया था, लेकिन 1934 में पुरातत्व विभाग को अपनी खोज में मिला ये हथौड़ा भ्रमित कर ही देता है। कारण यह है कि इस हथौड़े में लगी लकड़ी कोयला बन चुकी है और कोयला बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान सका कि करोड़ों साल पहले ये हथौड़ा कैसे बनाया गया। नंबर दो, मरुस्थल में बना शिलाओं का घेरा। सहारा मरुस्थल के बीचों बीच कुछ बड़े पत्थरों का एक बड़ा घेरा मिला। इसकी खोज पुरातत्व विशेषज्ञों ने 1973 में की। वैज्ञानिकों का मानना है कि पाषाण काल में इनका इस्तेमाल खगोल शास्त्रियों के द्वारा ग्रहण क्षेत्रों की खोज के लिए किया जाता था, लेकिन आज का मनुष्य इस कला से अनभिज्ञ है। नंबर तीन, शेंग मरुस्थल में मिली पत्थर पर बनी सीधी लकीरें। चीन में गानसू शेंग रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ लकीरें मिली, जिन्हें चीनी मोजेक लाइन का नाम दिया गया। इसे मोगाओ गुफा के आसपास बनाया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि पत्थरों के उबड़ खाबड़ होने के बाद भी ये लकीरें एकदम सटीक और सीधी हैं। नंबर चार, पाषाणकालीन पत्थर का खिलौना। पुरातत्व विभाग को 1889 में इदाहो के नामपा में एक पत्थर की गुड़िया मिली, जो बहुत ही पुरानी थी। इसे देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि पाषाणकालीन ये गुड़िया मानव के धरती पर अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह गुड़िया करोड़ों वर्ष पुरानी थी। नंबर पाँच, उल्का अवशेष में फंसा धातु का पेंच। वैज्ञानिकों को 1998 में हुई शोध में उल्का के अवशेष की जांच करते समय एक पत्थर का टुकड़ा मिला था, जिसमें एक लोहे का पेंच था। वैज्ञानिकों के माने तो यह पत्थर 30 करोड़ साल पुराना है, लेकिन उस समय तक धरती और किसी भी प्रजाति ने जन्म नहीं लिया था। तो आखिर ये टुकड़ा आया कहां से? ये अभी तक एक पहेली है। नंबर छह, पत्थर पर बना प्राचीन विमान का चित्र। पाषाण काल में मनुष्य अक्सर पत्थरों पर चित्रकारी किया करता था। 5000 ईसा पूर्व की इस कला के नमूने में आपको एक विमान दिख रहा होगा। वैज्ञानिक आज भी स्तब्ध हैं कि क्या उस समय ऐसा कोई विज्ञान था, और अगर नहीं था तो मनुष्य ने उस काल में इसकी कल्पना कैसे की होगी। नंबर सात, चलने वाला पत्थर। कैलिफोर्निया की डेथ वैली के खिसकते पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए असुलझी पहेली बने हुए हैं। 1972 में इस रहस्य का खुलासा करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की गई थी, लेकिन वह टीम पूरी तरह से असफल रही और आज भी यह एक अनसुलझा रहस्य ही है। नंबर आठ, मेक्सिकन पिरामिड में ब्राजील के अभ्रक। प्राचीन मेक्सिको शहर की दीवार अभ्रक की बनी हुई है, लेकिन अभ्रक तो ब्राजील में मिलता है, जो यहाँ से हजारों मील दूर है। इसका उपयोग ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो उस वक्त के कारीगर इसे लेते कैसे थे और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था? ये दोनों बातें वैज्ञानिकों को परेशान करती रही हैं। नंबर नौ, भीमकाय मानव के जीवाश्म। 1895 में आयरलैंड में पुरातत्व विभाग की खोज में खुदाई के दौरान 12 फीट लंबा एक मानवीय जीवाश्म मिला। ये मानव आधुनिक मानव होमो सेपियंस से बिल्कुल अलग था, जिसके पैर में 6 उंगलियां थीं और उसके हाथ 4 फीट लंबे थे। नंबर 10, विशाल इंसानी जबड़ा। अमेरिका के नेवाडा में 1911 में एक भीमकाय इंसानी जबड़ा मिला। कहा जाता है कि नेवाडा में लाल बाल वाले 12 फीट लंबे इंसान रहा करते थे। इसके अलावा 1931 में इंसानी कंकाल भी मिले, जिनकी लंबाई 12 फीट थी। आखिर ये थे क्या इंसान या कोई अलग ही प्रजाति? तो दोस्तों, ये थी दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। याद रहे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी।